एलओसी चुरुंडा बॉर्डर से 200 मीटर में पर मैं वाका हूँ, जहाँ पर मेरा घर है। 2 साल से सीज फायर हुआ है, हमारे लोग खास करके बॉर्डर के लोग अमन चैन और सुकून की ज़िंदगी जो है वो आराम से बसर कर रहे हैं। उससे पहले जब भी पाकिस्तान की तरफ से जब भी शेलिंग होती थी, 2 साल पहले जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती थी, तो उसका असर हमारे जैसे गरीब लोगों पर पड़ता था, हमारे जैसे लोगों को टारगेट किया जाता था, उससे हमारे लोगों को बहुत नुकसान होता था, शादियां नहीं हो सकती थी, हमारे खासकर हमारे लोग मस्जिदों में बाजमात नमाज नहीं पढ़ सकते थे। ऐसी फैर के पहले हमें बहुत दिक्कत होती थी, जब काम करते करते फायरिंग शुरू हो जाती थी, बहुत डर होता था, ज़मीनों में जाने का डर और घर में हर तरह से डर लगा रहता था। लेकिन अब 2 साल से ये जो सीज फायर हुआ है उसके पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं भी जाते हैं अपने बिना टेंशन के अच्छे से, और हमारी मदद बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब फौज ने की है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपनी माइक बटालियन का, जितनी भी बटालियंस मतलब 2014 से लेके आज तक जितनी भी आई हैं अच्छे से ही रही हैं और अच्छे से हमारा मतलब हमें उन्होंने हेल्प की है, बहुत हेल्प की है, तो हम इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 4 साल पहले यहाँ पे जब शेलिंग होती थी यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों को बहुत डर लगता था स्कूल आने में बहुत डर लगता था, बड़ी मुश्किल होती थी यहाँ पे, यहाँ के गांव वाले यहाँ के लोगों को भी बहुत मुश्किल होती थी, हम स्टाफ भी बहुत दूर से आते थे, हमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी यहाँ आने में। लेकिन इंशाल्लाह अब तो यहाँ पे बहुत सारा अच्छा हुआ है, क्योंकि अब ये सीज़ फायर जब से यहाँ पे गवर्नमेंट ने सीज़ फायर किया है, बच्चे बहुत अच्छे फ्रीली यहाँ पे स्कूल आते हैं, अपनी एजुकेशन अच्छे से हासिल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट के जो उन्होंने ये कदम उठाया सीज़ फायर का, हम उनको अच्छा स्टेप उन्होंने उठाया यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कूल में रोल भी बहुत है, 215 बच्चे हैं हमारे स्कूल में, तो पहले यहाँ पे इतना रोल नहीं था, लेकिन अब जब से ये सीज़ फायर हुआ ये बच्चे फ्रीली स्कूल आने लगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है तो इन्होंने भी यहाँ पे एक किंडरगार्टन की एक स्कीम खोली है, जिसमें हमारा कम से कम 40 बच्चे यहाँ पे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से, छोटे बच्चे हैं ये, वो 3+ है उनकी एज ग्रुप है, उनका 3+ है, लेकिन बहुत अच्छे से वो बच्चे भी स्कूल आते हैं। ये गांव वाले भी यहाँ पे अच्छे से हमारे साथ अच्छे से रिस्पॉन्स हमें देते हैं, अच्छे से करते हैं, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से चल रहा है। हमें यहाँ पर बच्चों को हम फ्री एजुकेशन दे रही है यहाँ पर गवर्नमेंट, फ्री टेक्स्ट बुक्स मिल रही है, फ्री यूनिफॉर्म मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो बच्चे बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं, टीचर भी अच्छा रिस्पांस देते हैं अपना, तो सब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो रहा है। आज से 2 साल पहले जो सीज़ फायर हुआ, जब यहाँ सीज़ फायर नहीं था तो हमें बड़ी मुश्किल होती थी कि हम बॉर्डर तक नहीं जा पाते थे, हम कोई जिम्मेदारी नहीं कर सकते थे, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, घरों में सहमे रहते थे, जब भी कभी फायरिंग होती थी हमारे मकानों को नुकसान होता था, हमारी इंसानियत को भी नुकसान होता था। उसके अलावा जो बॉर्डर के पास हमारे फल फ्रूट थे, घास था या ज़िम्मेदारी का जो मसला था वो बंद रहता था, बेकार हो जाते थे, हमें उससे बहुत नुकसान होता था। दो साल पहले जो सीज़ फायर हुआ, इसमें हम एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल तक भी जाते हैं और अपने जितनी भी हमारी ज़मीनें हैं उन पर हम पैदावार करते हैं।